डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। प्रिय व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में जैव ऊर्जा फसलों के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में जैव ऊर्जा फसलों यानी बायो एनर्जी क्रॉप्स से जुड़ा एक अध्ययन प्रकाशित हुआ, जिसके मुताबिक वार्षिक फसलों की जगह पर 12 मासी जैव ऊर्जा फसलों की खेती किए जाने से उन क्षेत्रों में शीतलन प्रभाव उत्पन्न हो सकता है जहां उनकी खेती की जाती है। अब जान लेते हैं कि जैव ऊर्जा फसलें क्या है। ऊर्जा फसल शब्द का प्रयोग जैव ईंधन फसलों के संदर्भ में किया जाता है। ये ऐसी फसलें हैं जिनसे जैव ईंधन का उत्पादन या निर्माण किया जाता है। इन्हें जैव ईंधन फसलें भी कहते हैं। प्रमुख जैव ऊर्जा फसलों में शामिल है गेहूं, मक्का, प्रमुख खाद्य तिलहन खाद्य तेल, गन्ना, नीलगिरी, चिनार, विलो, मिस्केंथस और स्विच ग्रास आदि। फीड स्टॉक के आधार पर जैव ईंधनों को 3 पीढ़ियों में बांटा जाता है। पहली पीढ़ी में मक्का, गन्ना जैसे खाद्य फसलों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी पीढ़ी में खेती के लिग्नोसेल्युलोसिक अवशेषों जैसे चावल के चोकर, गेहूं के चोकर आदि को प्रयोग में लाया जाता है। और शैवाल जैव ईंधन को तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन के रूप में संदर्भित किया जाता है। जीवाश्म ईंधन के स्थान पर जैव ईंधन को इस्तेमाल किए जाने के अनेक फायदे हैं। इन फायदों में शामिल है, ये नवीकरणीय और पर्यावरण के अनुकूल है, स्वच्छ तरीके से जलने की क्षमता है, वायुमंडल में प्रदूषकों और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों का कम उत्सर्जन। ऊर्जा निगम इकाइयां अक्सर जैव ईंधन को गैसोलीन के साथ मिलाती हैं। अब जान लेते हैं अध्ययन के प्रमुख बिंदु क्या है। जैव ऊर्जा फसलों की खेती का क्षेत्र वैश्विक कुल भूमि क्षेत्र का 3.8% ±0.5% है। ये फसलें प्रबल क्षेत्रीय जैव भौतिक प्रभाव डालती हैं, जिससे वायु के तापमान में -0.08 से लेकर +0.05 डिग्री सेल्सियस का वैश्विक शुद्ध परिवर्तन होता है। बड़े पैमाने पर इन फसलों की खेती से 50 वर्षों के बाद वैश्विक वायु तापमान में 0.03 से 0.08 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। कार्बन कैप्चर और स्टोरेज यानी BECCS के साथ बड़े पैमाने पर बायो एनर्जी फसल की खेती को वातावरण से CO2 को हटाने के लिए एक नेगेटिव एमिशन टेक्नोलॉजी यानी NET के रूप में पहचाना गया है। यूकेलिप्टस की खेती आमतौर पर स्विच ग्रास की तुलना में अधिक शीतलन प्रभाव दिखाती है, जिसका अर्थ है कि यूकेलिप्टस भूमि को जैविक रूप से ठंडा करने में स्विच ग्रास से बेहतर है। आपको बता दें कि यूकेलिप्टस एक तीसरी पीढ़ी का जैव ईंधन है, जबकि स्विच ग्रास और मिस्केंथस दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन है। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, जैव ऊर्जा फसलें उन क्षेत्रों में शीतलन प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं जहां उनकी खेती की जाती है। दो, गेहूं, मक्का मुख्य खाद्य तिलहन या खाद्य तेल और गन्ना जैव ऊर्जा फसलें हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।